सर इस टॉपिक की वीडियो बनाने के लिए मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स आते थे, इंस्टाग्राम पे डीएम आते थे कि भाई हमें एक अच्छा सा हेयर केयर रूटीन बनाओ, हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं, हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हमारा हेयर लॉस हो रहा है, सो हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको एकदम बेस्ट हेयर केयर टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपके जो हेयर्स है ना मेरे ब्रो वो झड़ना बंद हो जाएंगे, टूटना बंद हो जाएंगे, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशनल है इसलिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। सो प्लीज यार वीडियो को अंत तक पूरा देखना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने छोटे भाई के चैनल सैम लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर देना जिससे हमारी डे टू डे नोटिफिकेशन आप सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि यार सबसे पहले ना डिफरेंस समझो कि हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या डिफरेंस होता है। देखो मेरे ब्रो बहुत हद तक चीजें अलग होती है हेयर फॉल और हेयर लॉस में, हाँ बट एक चीज सेम होती है कि ना बाल हेयर लॉस में भी टूटते हैं, बाल हेयर फॉल में भी टूटते हैं, लेकिन जो हमारे हेयर फॉल में बाल टूटते हैं तो वहीं से वो रीग्रोथ हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा बाल होते हैं जो हेयर लॉस में टूटते हैं वो बाल हमारा रीग्रो नहीं होता, ठीक है। सो अपने लिए एक बेस्ट हेयर केयर रूटीन चूज करो, बहुत अफेक्टिव रहता है अगर आप उसको स्टार्ट कर दोगे, बहुत ज्यादा सिंपल रहता है, बस आपको ना अपने बालों की केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि आपके बालों का टेक्सचर कैसा है, आपके बालों का टाइप कैसा है, ठीक है। लेकिन जो इस वीडियो में आपको टिप्स बताने वाला हूं ना अगर आप उन्हें फॉलो करोगे ना तो कोई मैटर नहीं करता कि आपके बालों का टेक्सचर कैसा है, आपके बालों का टाइप कैसा है, वो टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उसको ना जल्दी से जल्दी फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक है। आपके बालों की जो लुकिंग है ना मेरे पर बहुत ज्यादा ग्रेट हो जाएगी, बहुत क्विक वर्क करेगा ये, ठीक है। सो जल्दी से जल्दी अगर आप टीनेजर हो सो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करा करो। सो टिप नंबर फर्स्ट है मेरी, चूज शैम्पू एंड कंडीशनर वाइजली। मतलब ये है कि ब्रो शैम्पू और कंडीशनर सेम नहीं होते, दोनों का अलग काम होता है, ठीक है। और आप इस बात को भी समझो कि हर हेयर टाइप के लिए शैम्पू और कंडीशनर सेम नहीं होता। सो आप सबसे पहले ना अपने बालों के हिसाब से आप शैम्पू चूज करो, अपने बालों के हिसाब से आप कंडीशनर चूज करो। अगर आप शैम्पू यूज करते हो तो आपको कंडीशनर भी यूज करना चाहिए। तो अब जो लड़के हैं ना वो कंडीशनर यूज नहीं करते क्योंकि उनको फायदा नहीं पता कंडीशनर का फायदा क्या होता है। सो मेरे ब्रो कंडीशनर के फायदों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आप शैम्पू और कंडीशनर दोनों यूज करा करो। सो अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू और सिलिकॉन फ्री कंडीशनर यूज करा करो। अगर आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स को बाय करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू और सिलिकॉन फ्री कंडीशनर यूज करो, ब्रो ये आपके बालों पर ना बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। सो अगर आप इन्हें यूज करोगे ना तो आपके बालों की लुकिंग बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी, ठीक है। आपके बाल डल हो जाएंगे, आपके बालों की जो लुक है ना वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी, ठीक है। आपके बाल ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे, ड्राई होंगे तो हेयर फॉल होगा। सो ब्रो मैं आपको एक छोटी सी गाइड दे रहा हूँ कि अगर आपके बालों का टाइप ऐसा है तो आप ये वाले शैम्पू और कंडीशनर यूज करा करो। सबसे फर्स्ट अगर आपके जो बाल है ना वो ड्राई है, अगर आपके ड्राई हेयर्स होते हैं तो आप जो है ना ऐसे प्रोडक्ट यूज करो, ऐसे शैम्पू या कंडीशनर यूज करो जो आपके बालों को नरिश करे, ठीक है, जिसमें ऑयल हो, ठीक है, और अदर नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हो, ठीक है। आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करो। सो अगर आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सेकंड अगर आपके बालों का जो टाइप है वो ऑयली है सो आप कौन से प्रोडक्ट यूज करोगे, आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करोगे जिसमें टी ट्री ऑयल हो एंड कैमोमाइल हो। मेरे ब्रो सबसे मेन बात अगर आपके बालों का टाइप ऐसा है कि आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, ठीक है, सो आप कौन से प्रोडक्ट यूज करोगे जिसमें इंग्रेडिएंट्स हो केराटिन और कोलेजन, जिसमें ये दोनों इंग्रेडिएंट्स होंगे आप वो प्रोडक्ट यूज करो, ब्रो आपके बाल बहुत हद तक सेफ हो जाएंगे। नाउ सेकंड टिप है वॉश योर हेयर 2 or 3 times इन अ वीक। मेरे ब्रो आपको अपने बालों को ना वीक में बस 2 या मैक्सिमम 3 बार वॉश करना है। मेरे को पता है कि बहुत लोग सोचते होंगे कि यार हमें ना अपने बालों को रोज वॉश करना चाहिए, हमारे बाल हेल्दी रहेंगे। ब्रो बहुत गलत चीज है ये, ठीक है। अगर आप रोज शैम्पू यूज करोगे ना सो जो हमारे बाल में जो ऑयल्स होता है जो हमारे बालों के लिए एसेंशियल होता है वो सारे के सारे एसेंशियल ऑयल निकल जाएंगे, ठीक है, और आपके बाल ना एकदम ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। और शैम्पू हम क्यों यूज करते हैं मैं आपको इसका भी रीजन बताता हूँ। जो हमारे स्कैल्प होते हैं ना वो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करती रहती है, ठीक है। सो सिर्फ उन ऑयल्स को निकालने के लिए हमें शैम्पू यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो आपको रेगुलर शैम्पू का यूज नहीं करना है अपने बालों को वॉश करने के लिए। सो अगर आप लोग रेगुलर चाहते हो कि हमारे बाल रेगुलर वॉश हो, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, आपने सिर्फ अपने बालों को ना वाटर से वॉश किया करो, ठीक है। वीक में 3 times
मिनिमम टू टाइम्स आप शैम्पू लगाया करो और बाकी के डेज में ना आप सिर्फ वाटर से वॉश करो। थर्ड पॉइंट है यूज कोल्ड वाटर इंस्टेड ऑफ हॉट वाटर। मेरे ब्रो अगर आपको अपने बालों को वॉश करना है ना सो आप प्रीफर करा करो कि आप जो है ना कोल्ड वाटर से वॉश करो, क्योंकि जब आप अगर अपने बालों को हॉट वाटर से वॉश करोगे ना मेरे ब्रो सो आपके जो हेयर फॉलिकल्स है ना बहुत हद तक खुल जाएंगे, जिससे आपके जो हेयर्स है ना वो उन फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपके जो वाटर की जो हीट होती है ना वो आपके बालों को ना ड्राई कर देती है। सो अगर आपने अपने बालों को हॉट वाटर से वॉश कर लिया, आपने उन्हें छोड़ दिया, सो आपके बाल ना ड्राई इजीली होंगे, ठीक है। इजीली अगर आपके बाल ड्राई हो जाएंगे ना सो मेरे ब्रो वो फॉल भी इजीली होंगे। बेटर यही रहेगा कि आप अपने बालों को ना कोल्ड वाटर से वॉश करा करो इंस्टेड ऑफ हॉट वाटर। फोर्थ पॉइंट है ड्राई योर हेयर नेचुरली। मेरे ब्रो अगर आप नहा करके आए हो ना अपने बालों में कुछ मत करो करो, इवन कॉम भी मत लगाया करो मेरे ब्रो, गीले होते हैं जब आपके बाल सो वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच होकर ना बहुत ज्यादा फॉल होंगे। आप हल्का सा भी कुछ करोगे ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं हमारे बाल, ठीक है, और ब्रेक होते हैं इजिली। सो जब आप नहा करके आओगे बाल गीले हो तो उनमें कुछ मत करो, अपने बालों को 90% नेचुरली ड्राई होने दो, हवा में ड्राई होने दो, ठीक है। ब्लो ड्राई का यूज मत करो, हेयर ड्राई का यूज मत करो, और अगर आपको हेयर ड्राई या फिर ब्लो ड्राई का यूज करना भी है ना सो उसमें ना एक सेटिंग होती है इसमें कोल्ड हेयर निकलती है, तो आप अगर हो सके तो आप कोल्ड हेयर से अपने बालों को सुखाया करो। सो ब्रो यही थे मेरे कुछ चार टिप ब्रो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव टिप है, आप इन टिप्स को जल्दी जल्दी फॉलो करना स्टार्ट करो अगर आप टीनेजर हो ना, सो इन टिप्स को जरूर फॉलो करो, आपके हेयर्स में अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून। और हां एक बात और, अगर आपने मेरे को Instagram पे फॉलो नहीं किया है सो क्या करो, आप लोग मेरे को Instagram पे फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहां पे आपको शो हो रहा होगा, सो आप चाहो तो मेरे को Instagram पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।